मिर्जापुर मुख्यालय से सुदूर नक्सल प्रभावित 122 स्कूलों में कुल 16,45,553 किताबें बांटकर सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र व जिले के स्कूलों को संतृप्त किया गया। अब तक मिर्जापुर में 98% किताबें व 95% ड्रेस का वितरण पूरे जिले में हो चुका है। आज हम यहां यूपीएस मदारपुर मिर्जापुर में जमालपुर विकास जो हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र जमालपुर ब्लॉक के यूपीएस मदारपुर में ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन और बुक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एकत्र हुए हैं। ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ किताबें हमारे यहाँ अवशेष थी जिसका वितरण किया जा चुका है। अभी इस विद्यालय में 129 बच्चे हैं एनरोल्ड, जिसके सापेक्ष यहाँ पे 76 बच्चे उपस्थित हैं जिनको अवशेष पुस्तकों का वितरण किया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम संख्या में बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाए। हमारे जनपद में 16,82,000 किताबें आनी थी, जिसके सापेक्ष लगभग 16,65,70,000 किताबें आ चुकी हैं। मात्र एक विषय की 15,000 किताबें आनी शेष रह गई हैं। इसके अतिरिक्त ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिर्जापुर जनपद में 95+ चल रहा है। परिषदीय विद्यालयों में 95% से अधिक आच्छादन हो चुका है। कुछ राजकीय विद्यालयों में अनुदानित विद्यालयों में ड्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो पाया, डिमांड कम हो पाई है। अन्यथा की स्थिति में अवशेष वितरण हो चुका है। शीघ्र ही हमारे जनपद में किताब बैग्स का और जूता मोजा का भी सरकार द्वारा वितरण कराया जाना है। एक हफ्ते के अंदर वो कार्यक्रम भी संपन्न कर लिया जाएगा। हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम संख्या में हम नामांकन बढ़ा पाएँ, सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को हम अपने बच्चों तक पहुँचा पाएँ और समयबद्ध सुचारू रूप से सारे कार्यक्रमों को हम संपादित कर सकें। हमारे यहाँ कुछ ऐसी किताबें थीं जो हमारे आपूर्तिकर्ता थे उनके माध्यम से थोड़ी लेट आ पाई हैं, क्योंकि इसके लिए निर्धारित तिथि 31 अगस्त निर्धारित थी। कुछ किताबें 2-3 विषयों की जो थोड़ी लेट आई हैं, इसके लिए हमारे अध्यापक प्रयास कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लास लेके अतिरिक्त प्रयास करके भी इन विषयों का विशेष अध्यापन करके और बच्चों को जो असुविधा हुई है उसको दूर किया जा सके, उन विषयों में उनको मजबूत किया जा सके।